जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष राकेश यादव के नेतृत्व में गुरुवार को कलेक्ट्रेट स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष सभी कांग्रेसियों ने कैंडल जलाकर भारत के सपूत विंग कमांडर अभिनंदन के सलामती तथा रिहाई के मांग को लेकर गांधी प्रतिमा से कैंडल मार्च निकाला। कांग्रेसियों ने अभिनंदन के लिए एक नारा बुलंद किया। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष राकेश यादव ने भारत सरकार से मांग किया कि देश के सपूत अभिनंदन को जल्द से जल्द सुरक्षित भारत लाएं और इस कुकृतियों के लिए भारत मुंह तोड़ जवाब दे। इस अवसर पर रामनाथ निषाद, संजय चौबे, जयंत पाठक, हाजी अनवर जमाल, संजय जायसवाल, प्रहलाद कुशवाहा, मोहम्मद रईस, गोपाल गांधी, प्रोफेसर राम नरेश चौधरी, चंडी प्रसाद भट्ट, मोहम्मद सलीम सहित अन्य कांग्रेसी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष राकेश यादव ने कहा, अभिनंदन की रिहाई करो, देश की माटी सबका चंदन वापस लाओ, प्रिय अभिनंदन, अभिनंदन सबका चंदन वापस लाओ, इस कीमती सबका चंदन अभिनंदन है आपका तारा, अभिनंदन को वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ। आज भारत का जो कमांडर पाकिस्तान में गिरफ्तार हुआ है, हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उसकी सकुशल रिहाई हो, और अगर ऐसा पाकिस्तान नहीं करता है तो पाकिस्तान को दो दो हाथ करने पर मजबूर कर दे और हमारे जो है वायुसेना के पायलट को सकुशल उसकी वापसी, जल्द से जल्द उसकी वापसी होनी चाहिए। पाकिस्तान अपने गंदे मंसूबों में हमेशा जो है कामयाब रहा है, आतंकवादियों को पनाह देता रहा है और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उसके किसी बात पे भरोसा करने लायक नहीं है।